हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे फ्रेंच फ्राइज, क्रिस्पी फ्रेंच फ्राइज। इसके लिए हम लेंगे, यहाँ हमने 3 छिले हुए आलू लिए हैं और इन्हें पानी में डिप करके रखा हुआ है। फिर इन्हें छुरी से कट करके ऐसे पतले पतले स्लाइस काट लीजिए और फिर इनको फ्रेंच फ्राइज के रूप में ऐसे काट लीजिए। आलू को दो तरह का आलू आता है, एक पुराना आलू और एक नया आलू। फ्रेंच फ्राइज में पुराने आलू का यूज़ किया जाता है, जिसे पहाड़ी आलू भी कहा जाता है। ऐसे फिर दूसरे आलू को भी पतला पतला काट लीजिए। और फिर तीसरा आलू भी हम इसी प्रकार काट लेंगे। ये पहले पतला पतला काटिए, फिर इनको फ्रेंच फ्राइज की तरह काट लीजिए। ये देखिए, ये हो गए हमारे फ्रेंच फ्राइज कट। अब हम एक बर्तन में पानी लेंगे। ये देखिए, एक बर्तन में हमने पानी को गर्म किया है। इसमें हम 1 टीस्पून नमक डालेंगे और इस जो हमने आलू कट किए हैं फ्रेंच फ्राइज, इनको पानी में डाल देंगे। चम्मच से हिला दीजिए और तेज गैस पे 5 मिनट के लिए उबलने दीजिए। इसको इतना उबालना हो कि ये हल्का सा स्टीम हो जाए। ये देखिए, अभी हमारे आलू स्टीम हो रहे हैं। ये चेक कर लेते हैं एक बार। ये देखिए, इन्हें आप हाथ से टच करके भी देख सकते हैं कि ये गले हैं या नहीं। प्लीज सब्सक्राइब अवर चैनल एंड जी टिप्स। ये देखिए, 5 मिनट हो गए हैं। अब हम गैस बंद कर देते हैं और इन्हें हम एक छलनी में छान देंगे। ये देखिए, ये आलू हमने एक छलनी में छान लिए हैं। बस ये इतना स्टीम हो कि ये गल जाए हल्का सा। इससे क्या होगा, हमारे आलू अच्छे बनेंगे और क्रिस्पी बनेंगे। फिर इन आलू को एक कपड़े पे ठंडा करने के लिए रख दीजिए। इनको 15 मिनट के लिए एक कपड़े पे ठंडा करने के लिए रख दीजिए ताकि ये अच्छे से
ठंडे हो जाए। इन्हें ठंडा करने में कम से कम हमें 15 मिनट आराम से लग जाएंगे, जिससे इनका पानी खत्म हो जाए। उसके बाद इन आलू को एक प्लेट में डालेंगे। आफ्टर 15 मिनट्स के बाद जब ये आलू ठंडे हो जाए, इन्हें प्लेट में डाल के ठंडे होने के बाद जब ये बिल्कुल ठंडे हो जाए, इन्हें हाथ लगा के आप टच कर सकते हो कि ठंडा हो गया या नहीं। ठंडा होने के बाद ही आप इन्हें 1 घंटे के लिए फ्रीजर में रख दीजिए। ये देखिए 1 घंटा हो गया इनको। अब ये हाथ लगा के हम देख सकते हैं, ये देखिए ऐसे थोड़े टाइट हो जाएंगे। इधर हम कढ़ाई में तेल गरम करने के लिए रख देंगे इनको तलने के लिए। इन्हें ये देखिए आलू हमारे ऐसे हो जाएंगे टाइट टाइट। ये देखिए हमारे आलू ठंडे होने के बाद ऐसे हो जाएंगे। इससे क्या हमारे आलू और अच्छे बनेंगे और क्रिस्पी बनेंगे। ये देखिए अभी हम देखते हैं कि कढ़ाई में तेल गरम हुआ है या नहीं। हल्का सा ऊपर हाथ लगा के देखिए कि गैस पे जो हमने तेल रखा हुआ है हल्का सा गरम हमें लगे, उसके बाद ही हम आलू को फ्राई करेंगे। अभी हल्का गरम हो गया है और इन्हें तेज गैस पे ही बनाना है। ये देखिए देखिए गैस सिम नहीं करें, बीच में गैस को तेजी रहने दीजिए। और इन्हें गोल्डन होने तक भूनें। इन्हें हिला लीजिए। आप देखेंगे कि बिल्कुल बाजार से भी अच्छे क्रिस्पी और खाने में एकदम बढ़िया ये हमारे फ्रेंच फ्राइज तैयार हो जाएंगे।
ये देखिए हमारे फ्रेंच फ्राइज गोल्डन हो रहे हैं हल्के हल्के। देखिए हल्के हल्के गोल्डन हो गए हैं हमारे। अब हम इन्हें प्लेट में उतार लेंगे। कुछ लोग थोड़ा ज़्यादा सिका हुआ भी खाते हैं। अगर आपको थोड़ा ज़्यादा सिका हुआ पसंद है तो आप इसको और थोड़ा गोल्डन कर सकते हैं, जैसे रेडिश दिखाई देती है। अब हम इन्हें प्लेट में निकाल लेंगे। ये देखिए गर्मा गर्म फ्रेंच फ्राइज अब हमारे तैयार हैं। इन्हें आप केचप के साथ परो सकते हो और इसके ऊपर आप अच्छे से चाट मसाला डाल सकते हो हल्का हल्का। प्लीज सब्सक्राइब अवर चैनल एनजी टिप्स। थैंक यू।